आईपीएल के 600 मैच में चेन्नई ने हैदराबाद को 18 रन से हरा दिया, लेकिन इस मैच में बीसीसीआई को 3 लाख का नुकसान हो गया और बीसीसीआई को यह नुकसान हुआ मथिसा पथराना की वजह से। पथराना ने हैदराबाद की 11 ओवर में एडम मार्कम को बोल्ड मारा और इस बोल्ड की मारने की वजह से स्टंप की लाइट टूट गई, जिसकी वजह से मैच को कुछ देर के लिए रोका गया और बाद में स्टंप की लाइट वापस ठीक की गई। आपको बता दें, क्रिकेट के एक स्टंप की कीमत लगभग 2-3 लाख रुपए होती है। अब अगर बात करें मैच के बारे में, तो आईपीएल के 600 मैच में हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले चेन्नई को बैटिंग करने के लिए बुलाया। चेन्नई के लिए इस मैच में भी चेन्नई कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। गायकवाड़ ने 54 गेंदों में 98 रन की पारी खेली, जिसमें 3 छक्के शामिल थे। गायकवाड़ के साथ साथ डेरिल मिचेल ने भी आईपीएल में अपना पहला अर्धशतक जमाया। मिचेल ने इस मैच में 32 बॉलों में 52 रन की पारी खेली। साथ ही चेन्नई के लिए शिवम दुबे ने भी 20 बॉलों में 4 छक्कों से 39 रन की पारी खेली और जिसके चलते सीएसके टीम ने 20 ओवर में 212 रन का स्कोर खड़ा किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। 213 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए हैदराबाद की टीम के लिए कोई बल्लेबाज बुरी पारी नहीं खेल सका। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा भी इस मैच में जल्दी आउट हो गए। हैदराबाद के सबसे ज्यादा रन एडम मार्कम ने बनाए। एडम मार्कम ने 26 बॉलों में 32 रन की पारी खेली। हैदराबाद को बैकफुट पर खेलने का काम किया तुषार देशपांडे ने। अपने 1 ओवर में 2 विकेट झटके और साथ ही तुषार देशपांडे ने अपने 4 ओवर में 27 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। तो तुषार देशपांडे की अहम भूमिका रही इस मैच में, जिसके चलते सीएसके ने हैदराबाद को 18 रन से हरा दिया। तो अब अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें और साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।